बुरहानपुर के लालबाग क्षेत्र में सम्राट मौर्य आर्ट का संचालन एक महिला करती है। महिला पिछले 28 वर्षों से मिट्टी से मानव दुर्गा की प्रतिमा बनाकर समाज में पर्यावरण जागरूकता का संदेश दे रही है। इस महिला को जिला प्रशासन द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है। गंगा की मिट्टी से बनने वाली इन प्रतिमाओं की डिमांड मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के साथ निमाड़ क्षेत्र में भी देखी जा रही है। यहाँ के लोग सार्वजनिक पांडाल में मानव दुर्गा की स्थापना करने के लिए ऑर्डर देकर प्रतिमा बना रहे हैं। फोटो के आधार पर महिला द्वारा प्रतिमा बना कर दी जाती है। महिला के साथ 10 कलाकारों की टीम है, जिनके द्वारा 150 से अधिक प्रतिमाएँ बनाई गई है। माँ गंगा की नदी की मिट्टी से नवदुर्गा प्रतिमा बनाई जा रही है। यहाँ पर 8 फीट तक के माँ नवदुर्गा की प्रतिमा बनाई गई है। कोलकाता के कलाकार भी इस प्रतिमा को बना रहे हैं। 15 अक्टूबर को सार्वजनिक पांडालों में शारदीय नवरात्रि के उपलक्ष्य में माँ नवदुर्गा की प्रतिमा की स्थापना होगी। महिला कलाकार सरिता मौर्य ने जानकारी देते हुए कहा कि मेरे साथ 10 कलाकारों की टीम है, जो माँ नवदुर्गा की प्रतिमा पिछले 28 वर्षों से बना रही है। प्रतिवर्ष लोगों की डिमांड के अनुसार हम प्रतिमा बनाकर देते हैं। अधिकतर लोग बंगाल की तर्ज पर प्रतिमा की डिमांड करते हैं। इस आधार पर हम माँ नवदुर्गा के शेर पर सवार, माँ काली, सरस्वती जैसे रूपों में और राक्षस के साथ बनी हुई प्रतिमाएं भी बना रहे हैं। बुरहानपुर में बनने वाली मिट्टी की प्रतिमा की महाराष्ट्र में भी डिमांड है। महाराष्ट्र के जलगांव, भुसावल, जामनेर, मुक्ताईनगर, औरंगाबाद, 40 गांव, धुलिया, रावेर, सावदा, फेजपुर सहित अन्य क्षेत्र के लोग भी यहाँ पर प्रतिमा लेने के लिए पहुँच रहे हैं। हम माता बना रहे हैं देवी जी। काय से बना रहे हो? मिट्टी से। कहाँ से लाए मिट्टी? मिट्टी कोलकाता से आता है। और आप कहाँ के कलाकार हो? हम कलकत्ता की है, वेस्ट बंगाल में। और यहाँ पर आए हो? यहाँ पर आए। डिमांड है मिट्टी की, इसलिए बनाने आए हो? हाँ, मेरे मिट्टी का डिमांड है, इसलिए बना रहा है। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुब्रत चुनारी है। कहाँ से मिट्टी लाई है और क्या माता की प्रतिमा किस मतलब प्रतिमाएं बनाई जा रही है? कहाँ से मिट्टी लाकर आप बना रहे हो? कहाँ का डिमांड है इसकी? ये मिट्टी तो गंगा से आती है जिसे, और डिमांड तो इसकी पूरे महाराष्ट्र में, यूपी में, सभी दूर है, दूर दूर जाती है समितियाँ। किन किन रूपों में आपने प्रतिमा बनाई है? सरस्वती रूप में है, दुर्गा है, काली के रूप में है, जगदम्बा है, सभी रूप में बनाई है। क्या कहा, कैसे डिमांड करते हैं लोग यहाँ पर आकर, और आप कितने वर्षों से बना रहे हो मिट्टी से प्रतिमा? कुछ लोग हैं जो मिट्टी की बिठाते प्रतिमा है, वो लोग मिट्टी ही पसंद करते हैं और उसी की स्थापना करते हैं, इसलिए वो लोग उनके लिए उनके डिमांड पे बनाई जाती है। आप कितने वर्षों से बना रहे हो मिट्टी की प्रतिमा? ये 28 साल हो गए करीब इसको। कहाँ कहाँ जाती है आपके, यदि राज्यों की बात करें, शहरों की बात करें तो? भुसावल है, जलगांव है, 40 गांव है, मुक्तईनगर है, जालना है, सेगांव जा रही है, उज्जैन है, ओमकारेश्वर में गई है। मतलब आधा दर्जन से अधिक रूपों में माता की प्रतिमा बनाई है आपने। कितने कलाकार लगे रहते हैं आपके साथ ये प्रतिमाओं का निर्माण करने में? भी है 8 से 10 लोग है और सभी लोग मिलके करते हैं। आप मिट्टी कहाँ से लाते हैं पूरी? मिट्टी वहीं से गंगा की आती है, कलकत्ता से आते हैं। कलकत्ता से मिट्टी लाई है गंगा में। क्या नाम आपका? सरिता मौर्य। आपके आर्ट का नाम क्या? सम्राट मौर्य आर्ट्स।